हेलो ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 7 कंट्रोल पैनल। ठीक है, आज हम कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी सीबीएसई क्लास 4 से का कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपकी सीबीएसई बुक्स का क्लास 4 का कंप्यूटर है। इससे पहले के 6 चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो कंप्यूटर की मैंने 3rd to 10th सीरीज स्टार्ट की है, 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक की। ठीक है, ये आपकी केबीएस के द्वारा डिजाइन की हुई सीरीज है कंप्यूटर की, काफी अच्छी है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस चैप्टर के, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज चेंज द स्क्रीन रिजोल्यूशन। ठीक है, हम स्क्रीन के रिजोल्यूशन को किस तरह से बदल सकते हैं ये हम देखेंगे कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट आप देख लीजिए। सेकेंड इज चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड सेट अ स्क्रीन सेवर। ठीक है, हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और स्क्रीन सेवर का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज एंड एडजस्ट सेटिंग ऑफ माउस। माउस की सेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट इज चेंज द व्यू ऑफ स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के व्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और द कस्टमाइज द टास्क बार, और टास्क बार को किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज द व्यू ऑफ स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का व्यू कैसे चेंज कर सकते हैं आप, और कस्टमाइज द टास्क बार, टास्क बार कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम। आप अपनी सिस्टम की डेट और टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट स्टार्ट। इन ऑर्डर टू कस्टमाइज द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम कंप्यूटर सिस्टम की जो डेस्कटॉप स्क्रीन को हम किस तरह से कस्टमाइज करेंगे। यू कैन मेक यूज ऑफ कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, दैट प्रोवाइड ऑल द ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेंस के ऑफ योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में, बोथ इन टर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि दोनों ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बताया गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टर्म में जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें हम आगे देखते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है, ठीक है, आपको पता है, ये देखिए ये ऑप्शन है कंट्रोल पैनल का। ठीक है, तो यू कैन एक्सेस कंट्रोल पैनल इन आइदर द टू वे, दो तरीके से अपने कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्टली बाय राइटिंग कंट्रोल पैनल, सबसे पहले तो आप सर्च में डाल दीजिए कंट्रोल पैनल। ठीक है, इन सर्च बॉक्स, आप सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल लिख दीजिए और सर्च बॉक्स से आपको कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेस इंटर की, फिर आप प्रेस करेंगे इंटर की। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंडली बाय लोकेटिंग कंट्रोल पैनल ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, आप स्टार्ट मेन्यू में जाके जहां पर आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ये है कि यहाँ पे आप सर्चिंग बॉक्स में डालिए कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपको बताया गया है, दूसरे में आपको जाना है कंट्रोल पैनल स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे आप, ठीक है, जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं तो ऐसे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस जगह आपको कंट्रोल पैनल लिखा मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल पैनल। नाउ आफ्टर ओपनिंग द कंट्रोल पैनल विंडो, जब कंट्रोल पैनल विंडो खुल जाएगी तो देखिए ऐसे दिखाई देगी, आपको दिख रही ना विंडो फर्स्ट, और इसके अंदर खोलोगे तो ऐसे में दिखेगी। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल विंडो है, ये ओपन हो चुकी है। यू कैन व्यू एंड यूज वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पज, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग पर्पज के, अलग अलग यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम में क्लिक किया गया है तो आपको सारे प्रोग्राम ओपन होके मिल गए हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पैनल में सारे ऑप्शन होते हैं, लार्ज आइकॉन करके हम यहाँ देखो देख सकते हैं, लार्ज आइकॉन में, स्मॉल आइकॉन में। ठीक है, आइकॉन हम बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या करेंगे,
जो भी प्रॉपर्टी आपको डिस्प्ले करना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में यू कैन चेंज डिस्प्ले ऑफ योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर का डिस्प्ले कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस, आप अपने कंप्यूटर की ब्राइटनेस को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ब्राइटनेस मतलब जो आप कंप्यूटर खोलते हैं तो लाइट दिखाई देती है ना कंप्यूटर में, तो आप उस ब्राइटनेस दिखती है ना, आप उसकी ब्राइटनेस को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की, ठीक है। एंड कंट्रास्ट ऑफ डिस्प्ले पैनल, डिस्प्ले पैनल का आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। और मॉनिटर वाइज चेंजिंग द सेटिंग, सेटिंग को चेंज करके कॉल्ड डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आप चेंजेस करके अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज दिस सेटिंग, आप इस सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करके इन द लार्ज आइकॉन व्यू, ठीक है, एक बड़े से आइकॉन व्यू पे, लार्ज आइकॉन व्यू पे ऑफ कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल के। और यू कैन डायरेक्टली एक्सेस, आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे एक्सेस करोगे, बाय राइट क्लिकिंग ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करके भी आप इसे क्या करोगे, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक डेस्कटॉप पे करेंगे तो इस तरह देखिए ये है ना, आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक जब करोगे ना तो इस तरह से विंडो खुल जाएगी आपके सामने, ठीक है, जहां पर आप स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जा सकते, करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, पर्सनलाइजेशन चेंज कर सकते हो, गैजेट चेंज करनी है यहाँ कुछ लगाना है, ग्राफिक्स चेंज करनी है, ग्राफिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो डेस्कटॉप में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ माउस, अब माउस की सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए आपको माउस दिया हुआ है, और माउस की सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, माउस इज अ यूजफुल पॉइंटिंग एंड सिलेक्टिंग डिवाइस। माउस क्या होता है, माउस आपके लिए यूजफुल एक पॉइंटिंग और सिलेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। माउस इज अ यूजफुल पॉइंटिंग और सिलेक्टिंग डिवाइस, माउस एक यूजफुल पॉइंटिंग और सिलेक्टिंग डिवाइस है। बाय डिफॉल्ट इट इज टू बी यूज्ड बाय लेफ्ट हैंड, जिसको हम यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हम इसका लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज टू बी यूज्ड बाय लेफ्ट हैंड, बाय डिफॉल्ट हम किसका यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड का। बट अ यूजर कैन चेंज, लेकिन यूजर इसे चेंज कर सकते हैं, इट्स सेटिंग, इसकी सेटिंग में जाके। यूजर कौन होते हैं, जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं ना, तो हम कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएंगे, हम कंप्यूटर के लिए यूजर हो जाएंगे, ठीक है। तो सजेस्ट डबल क्लिक स्पीड, आप जैसे कि आप सेटिंग में जाके उसकी डबल क्लिक की स्पीड को आप बढ़ा घटा सकते हैं, माउस पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट जो स्पीड होती है, ठीक है, जो माउस पॉइंटर की आपकी जो मूवमेंट करने की स्पीड होती है उसे आप चेंज कर सकते हो। और स्कीम या शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर की शेप में चेंजेस कर सकते हैं। वेरियस अदर सेटिंग रिलेटेड टू द माउस बटन, माउस बटन से रिलेटेड बहुत सारी आपकी सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारी रिलेटेड सेटिंग है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। माउस व्हील, ठीक है, माउस व्हील, सेंटर बटन और माउस के व्हील, व्हील कौन सा होता है, जो माउस के बीच वाली बटन होती है ना, अगर आपने अपने माउस में देखा होगा, अब तो बहुत तरह के माउस आ गए हैं, पहले माउस चलता था उसमें बीच में एक बटन हुआ करती थी व्हील, जिसको व्हील बटन कहते थे, ठीक है, वो मूव होती थी, उसमें चेंजेस कर सकते हैं आप, सेंटर बीच वाली माउस व्हील या बीच का जो बटन बटन होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। यू कैन चेंज दिस सेटिंग, आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन माउस ऑप्शन, माउस ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, माउस ऑप्शन पे क्लिक करके इन सारी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। इन द लार्ज आइकॉन व्यू, आप आइकॉन के व्यू को लार्ज भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर, और बाय लोकेटिंग एंड क्लिकिंग ऑन माउस अंडर हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, बाय लोकेटिंग क्लिकिंग ऑन माउस अंडर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, माउस के अंदर आप हार्डवेयर और साउंड ऑप्शन इन कैटेगराइज वाइज व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के अंदर आप इसके इसमें साउंड ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये देखो ये विंडो खुली हुई ना माउस सेटिंग की, ठीक है, ये दिखाई दे रही है ना माउस सेटिंग की, तो यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, आपको माउस का ऑप्शन मिलेगा, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको विंडो एक मिल जाएगी ओपन होके, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए ना, ये देखिए ये स्पीड को बढ़ाने और कम करने का ये ऑप्शन आपको दिया गया ना, इधर लिखा है फास्ट और इधर स्लो,
ठीक है। तो ये बीच वाला जो एरो है ना, ये दिखाई दे रहा है, इसको आप इस साइड ले जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी और इधर ले जाओगे तो स्पीड घटेगी, ठीक है। फिर टर्न ऑन, क्लिकिंग का साउंड दिया हुआ है, क्लिक को टर्न ऑन करना है आपको। डबल क्लिक वाला ही ऑप्शन है ये, माउस में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर ट्राई कर सकते हो माउस के बारे में। फिर यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्या व्हील को चेंज करने के लिए, लेफ्ट राइट ऑप्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हम राइट क्लिक जब करते हैं माउस का, राइट वाला बटन प्रेस करते हैं, तभी हमारी कोई भी प्रॉपर्टी की विंडो ओपन होती है। लेकिन अगर आप यहाँ चेंज कर लोगे और लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट क्लिक से भी प्रॉपर्टी वाली विंडो ओपन होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंजेस माउस में जो भी चेंजेस करना चाहते हो, माउस के कर्सर में, पॉइंटर में, स्पीड में, ठीक है, तो यहाँ से इसके फंक्शनिंग को आप चेंज कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा, कंट्रोल पैनल में जब जाएंगे वहां आपको माउस वाली प्रॉपर्टी में जाना होगा, ठीक है। माउस के अंदर जाओगे तो ऐसी प्रॉपर्टी वाली ड्रॉप डाउन ये एक विंडो खुलेगी, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। और जब आप सारे चेंजेस कर लेंगे फिर क्या करेंगे, आप सारे चेंजेस हो जाएंगे फिर अप्लाई पे क्लिक करोगे, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे फिर आपको लगता है सारे ऑप्शन ठीक है आपके, तो आप ओके कर दीजिए तो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। जब अप्लाई पे करोगे तब तक अप्लाई पे तो आपको दिखाई देगी प्रॉपर्टी आपके क्या क्या चेंजेस किए, लेकिन फाइनल कब होगी आपकी सेटिंग, जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपको ओके पे भी क्लिक करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू। चलिए देखते हैं इसको क्या है ये। द बॉटम मोस्ट बार, जो सबसे नीचे, जैसे ये आपकी विंडो है, ठीक है, ये आपकी विंडो है कंप्यूटर की, और ये जो सबसे नीचे का ये वाला जो एरिया दिखाता है ना, बॉटम मोस्ट, इसको बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है। ये बॉटम मोस्ट एरिया होता है, ये इसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। और ये स्टार्ट मेन्यू, तो जो बॉटम मोस्ट बार स्ट्रिप डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको सबसे नीचे नीचे का एरिया दिखाई देता है इन द टास्क बार, ठीक है, वही वो क्या होता है, टास्क बार होता है जब टास्क बार, ठीक है। इट शो द करंटली एक्टिव एंड ओपन एप्लीकेशन, ये क्या दिखाता है टास्क बार, टास्क बार हमें दिखाता है कि जो करंटली ओपन हुए एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें दिखाता है, ठीक है। जो जो चीजें हमने कंप्यूटर में ओपन कर रखी होती हैं वो आपको टास्क बार में दिखाई देती हैं, ठीक है। जितने एप्लीकेशन आपने ओपन किए हैं वो सारे ओपन एप्लीकेशन आपको कहाँ दिखाई देंगे, टास्क बार में दिखाई देंगे, ठीक है। विद अदर ऑप्शन लाइक, और दूसरे ऑप्शन भी इसमें क्या होते हैं, जैसे कि डेट, ठीक है, डेट और टाइम, स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, डेट एंड टाइम हो गया, स्टार्ट मेन्यू, इस तरह के भी ऑप्शन आपको टास्क बार में ही दिखाई देते हैं। द टास्क बार कैन हैव स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, टास्क बार स्टार्ट मेन्यू में होता है। क्विक लॉन्च आईकॉन, इसमें क्विक लॉन्च आईकॉन होते हैं, सिस्टम ट्रे आइकॉन, ठीक है, इसमें सिस्टम ट्रे आइकॉन होते हैं, और क्विक एक्सेस, क्विक लॉन्च आइकॉन होते हैं, और ये स्टार्ट मेन्यू होता है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में देखना कि टास्क बार कहाँ पे होता है, मैंने आपको बता दिया टास्क बार कंप्यूटर में सबसे नीचे होता है, बॉटम मोस्ट में, ठीक है। आपको सारे एप्लीकेशन यहाँ नजर आएंगे जितने भी आपने ओपन कर रखे होंगे, यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है, बाय राइट क्लिकिंग ऑन द टास्क बार, जब आप टास्क बार में राइट क्लिक करते हैं यू विल गेट मेनी ऑप्शन, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं दैट कैन बी यूज, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं बाय वेरियस पर्पज, बहुत सारे अलग अलग पर्पज के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे टूल में जाएंगे, यहाँ देखिए लॉन्च बार है, ठीक है, एड्रेस बार, लिंक, न्यू और लॉन्च, ये सब बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जब आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। ये कौन सा बटन होता है, ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू किसको बोलते हैं, जो ये वाला बटन आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये आपकी, ये देखिए ये टास्क बार है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टास्क बार है, आप जो कुछ भी ओपन करोगे यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए वर्ड की फाइल खुली है तो आपको टास्क बार में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये विंडो मीडिया प्लेयर की फाइल खुली है, ये आपको टास्क बार में दिखाई दे रही है। ये क्रोम आपको दिखाई दे रहा है टास्क बार में, ठीक है। और ऑन क्लिकिंग दैट यू विल गेट सिस्टम ट्रे आइकॉन, ठीक है। सिस्टम ट्रे अगर आपको आइकॉन चाहिए तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, इसके अंदर, ये आपको कॉम्बो दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा एरो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको सिस्टम ट्रे ओपन हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम ट्रे आइकॉन ओपन करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, तो आपको सिस्टम ट्रे आइकॉन ओपन होके मिल जाएगी। नेक्स्ट इज स्टार्ट मेन्यू हेल्प यू, स्टार्ट मेन्यू आपकी मदद करता है टू लोकेट एंड सिलेक्ट अ प्रोग्राम,
ठीक है। स्टार्ट मेन्यू आपकी क्या मदद करता है, ये प्रोग्राम को सिलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। और फ्रॉम ग्रुप ऑफ ऑल अवेलेबल, जो कि ग्रुप में सभी अवेलेबल हैं, प्री इंस्टॉल, जो पहले से इंस्टॉल किए गए हैं, प्री इंस्टॉल मतलब जो पहले से इंस्टॉल है, एंड यूजर इंस्टॉल प्रोग्राम, और जो यूजर ने प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसमें स्टार्ट बटन में आपको सारे, स्टार्ट मेन्यू में आपको सारे प्रोग्राम मिलेंगे जो प्री इंस्टॉल्ड हैं, जो पहले से इंस्टॉल आपको मिले हुए हैं, या फिर आपने बाद में इंस्टॉल किए हैं, वो सारे प्रोग्राम आपको कहाँ मिलेंगे, स्टार्ट मेन्यू में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डेट एंड टाइम को हम कैसे सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का। सिस्टम डेट एंड टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सिस्टम की डेट और टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट वन हैज टू कीप इन माइंड, बिकॉज इट मेंटेन द डेट एंड टाइम वाइज योर कंप्यूटर एक्टिविटीज, ठीक है। हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटी डेट और टाइम के हिसाब से मेंटेन होती है, अगर डेट और टाइम सही नहीं होगा तो इसकी एक्टिविटी भी ठीक से मेंटेन नहीं होगी। इट आल्सो हेल्प इन सिलेक्टिंग एंड शॉर्टिंग फाइल, ये मदद करती है फाइल को सिलेक्ट करने में और फाइल को शॉर्ट करने में, और फोल्डर को बेस्ड ऑन दियर डेट, जो कि अपनी डेट की डेट पर बेस होते हैं, बेस्ड ऑन दियर डेट ऑफ क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के हिसाब से। हैंस इट इज एडवाइजेबल टू कीप द सिस्टम डेट एंड टाइम करेक्ट, हमें अपने सिस्टम का डेट और टाइम सही रखना चाहिए हमेशा, हमें अपने सिस्टम का डेट और टाइम सही सही होना चाहिए हमें सिस्टम में। यू कैन सेट द डेट और टाइम, आप अपने सिस्टम का डेट और टाइम सेट कर सकते हैं बाय सिंपली क्लिक राइट क्लिक, सिंपल से आप राइट क्लिक करके ऑन डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम पर को डिस्प्ले कराने के लिए, डिस्प्ले करने जो डिस्प्ले डेट और टाइम हो रहा है इसको सेट करने के लिए आप राइट क्लिक करिए ऑन राइट मोस्ट साइड, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे राइट मोस्ट साइड, जैसे ये राइट मोस्ट पे आप क्लिक करिए ऑन टास्क बार, ठीक है, टास्क बार आप समझ गए होंगे जो बॉटम मोस्ट होता है नीचे कंप्यूटर में, एंड सिलेक्टिंग एडजस्ट डेट और टाइम, और आप अपनी डेट और टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, आप जब भी राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखिए ये डेट और टाइम ये दिखाई दे रहा है ना, कि आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर आप कहाँ जाओगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम, ठीक है, एडजस्ट डेट एंड टाइम में आप जाएंगे तो उसके बाद में आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये विंडो दिख रही है ना डेट एंड टाइम की, ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप डेट एंड टाइम में जाइए, फिर आपको ये यहाँ पे देखो वॉच दिखाई दे रही ना, और यहाँ पे चेंज डेट और टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है, डेट और टाइम में आप चेंज में जाएंगे और फिर एक लिस्ट खुलेगी जहाँ आप डेट और टाइम आपको चेंज करना है, अगर आपको जोन भी चेंज करना है तो यहाँ से जा कर सकते हैं। देन चेंज करने के बाद, अपडेट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, ठीक है, और अप्लाई करने के बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है, तो आपका डेट और टाइम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जो भी सही सही डेट और टाइम है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए जब हम एडजस्ट कर देंगे, ये देखिए ये आपको, फिर उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे ये चेंज डेट ऑन टाइम पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको खुल के आएगा, ठीक है, ये इस तरह से विंडो आएगी खुल के, यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये इधर आप आगे पीछे जाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, 2020 में 21 में जाना है ना आपको, तो आप इस पे क्लिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से डेट एंड टाइम सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप टाइम सिलेक्ट करिए, यहाँ से डेट सिलेक्ट करिए, ठीक है, और उसके बाद में जब आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं, ये है ना, इस पे क्लिक करके आप टाइम को चेंज कर लीजिए, टाइम जब चेंज कर लेंगे तो आप उसके लास्ट में आप क्या करोगे, ओके बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेट एंड टाइम क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट अभी आपको क्या बताया, और यू कैन आल्सो चेंज, आप चेंज कर सकते हैं द वे ऑफ डेट एंड टाइम, डेट और टाइम आप चेंज कर सकते हैं, इज टू बी डिस्प्लेड एंड मैनी अदर थिंग्स, आप इन्हें डिस्प्ले करा सकते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और बहुत ज्यादा जरूरी चीज क्या है, इज टाइम जोन, ठीक है,
हमने ऊपर देखा था ना टाइम जोन का ऑप्शन था, टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इन ऑर्डर टू लेट द सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट डेट एंड टाइम करेक्टली, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट करे डेट और टाइम को, यू हैव सेट करेक्ट जोन, आपको सही सही जोन देना होगा. ठीक है, आप सही सही जोन देंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम को अपडेट कर लेगा. ठीक है, फॉर इंडिया एजा, इंडिया में क्या होता है 5+5.30. ठीक है, सो होता है इस तरह से आपको शो कराना है इंडिया का. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. जोन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जोन ये देखिए बाय डिफॉल्ट ही दिया गया ना 5:30, हमारे इंडिया का जोन 5:30, दिल्ली मुंबई ये इंडिया का मतलब दिया गया है. ठीक है, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं डेट एंड टाइम को. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट अब क्या है, ये आपका यहाँ फिनिश होता है. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो मैंने पहले ही बताया था कि आप इनको एक फर्स्ट टाइम तो आप ट्राई करिए. ठीक है, फिर मैं एक वीडियो में सेपरेट एक वीडियो आपका क्वेश्चन आंसर का बनवा दूंगी, जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी बटन आर देयर ऑन द टाइपिकल माउस, माउस में कितने बटन होते हैं बताइए, हाउ मेनी बटन आर देयर ऑन द टाइपिकल माउस. ठीक है, माउस में कितने बटन होते हैं आपको पता है, माउस में लेफ्ट राइट और सेंटर बटन होता है, तीन बटन होते हैं. ठीक है, लेफ्ट राइट और सेंटर, सेंटर वाले को व्हील बटन भी कहते हैं. ठीक है, सेकेंड इज हाउ मेनी चेंज, हाउ कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था, आप राइट क्लिक करके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल पैनल में जाके भी कर सकते हैं. तो ऊपर से आपने वीडियो अच्छे से देखना, फिर आप एक लाइन यहाँ लिख देना. और नेक्स्ट इज थर्ड में क्या आपको बताया है, व्हाट इज द पर्पज या सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टास्क बार, टास्क बार का पर्पज क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है या इसका इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो टास्क बार में हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो सारी चीजें कहाँ शो होती हैं, टास्क बार में शो होती हैं. ठीक है, अभी हमने टास्क बार के बारे में पढ़ा था, वहीं से आप एक लाइन इसमें लिख देना. नेक्स्ट इज फोर्थ में आपको क्या करना है, द कलेक्शन ऑफ आईकॉन. ठीक है, आइकॉन का जो कलेक्शन होता है ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड में जो आइकॉन का कलेक्शन है, बिफोर स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू से पहले ऑन द टास्क बार इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, उसको आपको यहाँ पे लिखना है. देखिए, अभी हमने पढ़ा था टास्क बार के बारे में, जो बिल्कुल लेफ्ट में जो आइकॉन थे ये देखिए, ये टास्क बार के लेफ्ट में आइकॉन, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे आइकॉन. ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे सिस्टम ट्रे आइकॉन. तो इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर आपको एक सेपरेट वीडियो में सबके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है.